हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे क्लास 9 का साइंस मोशन का पार्ट 12 करेंगे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत से न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हम करते हैं, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम करेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरह। और एक बात और, अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है ये, एक फैन एक पंखा है, वो इसकी तीन पंखड़ियाँ है, वो रोटेट हो रहा है कितने की स्पीड से, 100 आरपीएम की स्पीड से, तो वो पूछ रहा है उसकी एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी बताओ, जबकि उसकी ब्लेड की टिप है 0.20 मीटर की। तो अपना आंसर जल्दी बताएं, आपके पास 5 सेकेंड है। तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसे पॉज करके भी कर सकते हैं। और हमारे एजुकेशन अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल और सभी वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और हम क्लास 9 क्या कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है। तो हम चलते हैं चांद की तरफ। आंसर है ये, देखो हमें भी दिया है कुछ इतना। तो हम इसको एक्स जेड में निकालेंगे, मतलब हजार में निकाल लेंगे। और तो इसको 60 से डिवाइड करने के बाद कुछ दिया जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या आ गई, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी थी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू है 2πr 2πb, और इसको ये से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, उसको 8 से मल्टीप्लाई करके आ रही है ना, और दो आंसर याद रहेगा। तो देखो ये आंसर ठीक है ना, 9 2 9, हाँ ठीक है। देखो हमारे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक थीप है हमारा, थीप है हमारा, और एक क्या है, पुलिसमैन है हमारा, पुलिसमैन है ये हमारा, पुलिसमैन है ये हमारा, पुलिसमैन है थी स्पॉटेड पुलिसमैन थे, थी मैंने पुलिसमैन को देखा तो उसने अंदाजा लगा 400 मीटर दूर है ये आदमी, 400 मीटर की दूरी में। और ये जो थीप है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और ये जो पुलिसमैन है ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना है, पुलिस और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है जिससे ये इसको पकड़ लें। तो आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, पहला बोला 2.9, ये बोला 1.4, बोला 2.4 या 2.4 मीटर किलोमीटर। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, और अपना आंसर अपनी कॉपी में करें तो उसका सही आंसर है ये। देखो कैसे पुलिस और थीफ के बीच में कितने का अंतर था, इतने का अंतर था। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जो चोर और पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो हर बार चोर पुलिस हर बार दो किलोमीटर आगे जा रहे हैं, तो टू कवर, हाँ 200 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास 400 वो है, तो वो 400 है उसको, हर बार लेकिन देखो ये 200 मीटर हर बार जो चोर है वो पीछे आ रहा है कितना, 2000 मीटर वो पीछे आ रहा है, ठीक है। तो बताओ लेकिन उसको 4000 किलोमीटर तय करना है, तो बताओ कितना, तो इसके और हमें निकालना है उसका कितने टाइम लगेगा, तो हम इसे टाइम निकाल लेंगे। और बट इन फर्स्ट 5th आवर पुलिस कवर इतना, तो पुलिस को कवर कितना है, पुलिस की स्पीड कितनी हमारी 12 दी थी ना, तो ये हम इसको ऐसे करके इसे काट काट के ही जा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
P and Q are two terms. ये रहा P और ये रहा Q, ये two terms है. P and Q ये two terms है. ठीक है, तो रवि कब आता है distance from the P to Q. तो ये रवि है, ये P से Q हो गया, cycle से गया. और इसका लगा 16. Q को 16 लगा और वो वापस आए Q से P तक पैदल. तो उसको 9 किलोमीटर लगा तो पर आ गया. तो उसके बता फोल जर्नी की स्पीड क्या हो गया स्पीड. तो अपना आंसर 5 सेकंड में करो. पहला ऑप्शन क्या बोला 12.5 किलोमीटर, दूसरा बोला 10.25 और तीसरा बोला 11.52, चौथा बोल रहा है 12.32. तो इसका सही आंसर होगा कुछ 3. ये पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. देखो टाइम निकाल रहा है और ये इतना लग रहा है एवरेज स्पीड हमारी इतनी है और 2D, ये 2D इसको हम डाल देंगे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टाइम हमें इतना दिया है तो हम कॉमन ले लेंगे, इससे डी काट देंगे और ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने के बाद कुछ नीचे 25 आएगा और जो यहाँ पे आएगा ना ये हमारा ऊपर को चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई के साथ, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी निकाल के देखना ये आंसर आ रहा है. तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो फार्मर है ये हमारा है. ऐसा एक क्वेश्चन हमने करा है, रेड बाउंड्री है, ये फार्मर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फार्मर बना लेते हैं, ये फार्मर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, फार्मर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर फील्ड है वो 10 मीटर ट्रैवल करता है 40 सेकंड में. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड. आपके पास 5 सेकंड है. 10 मीटर करता है, 30 मीटर करता है, 40 मीटर करता है, 10√2 मीटर करता है. तो अपना आंसर जल्दी से बताइए. इसमें बोल रहा है ये सारे पूरा कवर करता है और एक के साइड है 10 मीटर पूरा कवर करता है 40 सेकंड में. तो चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर 2 10√2 है. देखो कैसे देखो फार्मर करता है 40 मीटर करता है 40 सेकंड में करता है 40 मीटर 40 सेकंड में करता है ना, तो टाइम रिक्वायर है इतना टाइम. तो इसको हम सेकंड में कर देंगे तो 140 आ जाएगा. तो हम इससे राउंड निकाल सकते हैं, 140 डिवाइड बाय 40 से राउंड निकाल देंगे तो आया कुछ 3.5. तो इट टुक लाइक देखो स्क्वायर बना लेते. चलो ये हमारा स्क्वायर था ना, ये हमारा स्क्वायर था तो क्या है, बोला है 3.5 एक राउंड, ये एक राउंड, एक राउंड हो गया. रुको एक मिनट रुको, मैं फिर से बता रहा हूँ. हाँ देखो ये हमारा एक स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर है, कितना एक राउंड कंप्लीट करता है, तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट करता है, ये उसके ऊपर ही करता है, ये साइड से दिखा रहा हूँ, ये तीसरा राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, फिर वो आधा राउंड कंप्लीट करता है इतना यहाँ तक. तो मतलब ऐसा करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ऐसा. तो ये लग रहा है हमें 9 पाठक वाले सिचुएशन में निकाल लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है. तो ये ए, ये सी, ये बी है, ठीक है. तो ये हमने पुट कर दिया, ये भी 10, ये भी 10, तो इसको स्क्वायर करके कुछ आएगा 100 प्लस 100 200, तो 10 प्लस √2 = 200 का हम वो निकालेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा, देखो रघु नाम है एक बालक है, ये रघु है एक आदमी, ये रघु है, ठीक है, ये रघु है. कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसे नहीं, ये नहीं है, ये 6 किलोमीटर करता है इतने मिनट में 45 में. अगर वो आधा डिस्टेंस कवर करेगा 1/3 में, 1/3 ऑफ द टाइम, टाइम के 1/3 में करेगा, तो बताओ उसकी रिमेनिंग डिस्टेंस एंड रिमेनिंग टाइम, तो बताओ उसका रिमेनिंग स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है, पथ की स्पीड, इसके लिए स्पीड क्या होगी, ठीक है, ये बताया आपको. तो अपना आंसर जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है इसमें. देखो ये रघु है, ये रघु है, आप अपना आंसर भरिए, फिर से बता दो आपको समझ में आ.
ये चल रहा है 6 किलोमीटर कर रहा है 45 में कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस लग रहा है ना वो 10⁻³ है, तो बताओ आधा डिस्टेंस आधा, तो बताओ उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड कितनी होगी यहाँ से। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, सामने को ये टाइम लैग, मतलब टाइम उसका है 1/3 है, उसका टाइम लगा था इतने में, पहले हम उसको सेकंड में निकाल लेंगे, सेकंड में निकालने के बाद कुछ 1/4 आएगा, इसको काट पीट के देख लेना, ठीक है, इसको काट से काट के देख लेना डिस्टेंस लेफ्ट। तो डिस्टेंस हमारा लेफ्ट मतलब डिस्टेंस हमारा था 3 किलोमीटर, देखो आधा आधा बोला ना, हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस बोला है तो 6 का आधा 3 किलोमीटर। तो बताओ इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसमें इसको प्लस कर देंगे स्पीड हमें निकालने के लिए, इसको इससे प्लस कर देंगे ना, तो यहाँ पे भी आया 4, तो देखो क्या आएगा 4, तो 4 आएगा यहाँ पे 3 किलोमीटर। हाँ रुको देखो, हाँ ठीक है, वैसे बोला ये हमने आवाज निकाला था ना, ये हमारा ये टाइम आ गया, इसको प्लस कर दिया, वो काट जाएगा 3 देखा है, 3 का सही आंसर है, 3 सही आंसर है, ठीक है 3 12 नहीं है 3 है। इसमें क्या बोल रहा है, रुको तो रुको देखो, ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, वो ट्रैवल करता है हिज होम होम से, तो बताओ देखो ये आदमी है, ये आदमी का नाम रखते हैं हम, क्या रखते हैं नाम, इसका नाम रखते हैं हम बाय रखते हैं, इसका नाम की बाय रखते हैं, लेटेड भी बाय, इसका नाम बाय है। ट्रैवल करता है ये अपने घर से 20 किलोमीटर, उसका घर है छोटा सा घर है उसका, अपने घर से 20 ट्रैवल से करता है, अपना ऑफिस जाता है, ठीक है, इसका बड़ा सा ऑफिस है, लेकिन फिर भी घर में खरीद रहा है आदमी, देखो ये इसका बड़ा सा ऑफिस है। तो देन वो वापस आता है, हाउस बैग वो वापस घर आने के लिए आता है यहाँ पे, यहाँ पे उसको घर से पानी की बोतल आनी होती है, लेकिन उसको रास्ते में मिल जाती है 10 किलोमीटर पीछे। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है घर से लेकर ऑफिस तक, पूरा डिस्टेंस है उसका, तो इसका आंसर है 10। देखो कैसे, रुको 10 तो ऐसे नहीं, ऐसे यहीं पे दिखाता हूँ, देखो कैसे इस एक्स को मिटा देते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं, इसकी बिल्डिंग बना देते हैं, देखो ये उसका घर था ना, ये उसका घर था, वो ऐसे गए ऐसे यहाँ पर, उसकी यहाँ पे बिल्डिंग थी, तो वापस आया तो उसने पूछा पूरी बिल्डिंग से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 20 प्लस, मैंने बोला था प्लस करते हैं, माइनस में आएगा 10, तो ये बाहर निकला तो 20 - 10 आ गया, तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा 10, 10 का, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या बोले देखो, इसमें बोल क्या रहा है देखो, व्हेन बॉडी, अगर एक ये है हमारा एक बिल्डिंग है हमारी बिल्डिंग, इसको हम रेस्ट, इसको रेस्ट नहीं क्या बोले इसमें, अगर वो बहुत सालों मतलब वो इस वजह से बहुत सालों से अगर वो एक ही जगह पे खड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ना नोटिस में से कोई भी नहीं, तो उसका सही आंसर रेस्ट, अगर वो एक ही जगह खड़ा है तो उसको रेस्ट बोलेंगे, मोशन तो पता है आपको। इसमें क्या बोल रहा है देखो, द एक्ट प्रोसेस ऑफ स्टेट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ पोजिशन बॉडी रिस्पेक्ट रिलेटिव, अगर ये कोई बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक चल, ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है और अपने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्ट बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ना रात बोलेंगे, तो उसका आंसर है मोशन सही है इसका आंसर, देखो वो चल रहा है तो मोशन करेगा ही, बताओ इनमें से कौन सा टाइप का मोशन है, मैं बता दूंगा इनमें से इन सबको, इन सबका वो मोशन क्या होता है, अभी आप पहले बताइए इनमें से क्या मोशन होता है इन सब में से, तो
सर्कुलर होता है, रेक्टिलिनियर होता है, पीरियोडिक होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो हम चाहते हैं स्कैंसर की तरफ, स्कैंसर ऑल ऑफ द अबव देखो सारे, ठीक है। अरे इसमें बता देता हूँ, बता देता हूँ। इस टाइप ऑफ मोशन है ए ट्रेन मूविंग इन ट्रैक। कौन सा मोशन ट्रैक में, वो मूविंग ट्रेन के ट्रैक में होता है? सर्कुलर होता है, रेक्टिलिनियर होता है, पीरियोडिक होता है, नन ऑफ द। तो उसका सही आंसर है ये रेक्टिलिनियर। रुको, वो बताना था आपको मुझे यहाँ पे, मुझे अभी भी सर्कुलर मोशन आपको पता होगा। सर्कुलर मोशन होता है गोल वाला जो सर्कल में होता है, और रेक्टिलिनियर होता है ट्रेन में, मतलब पैरेलल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और पीरियोडिक मोशन होता है पेंडुलम वाला, ऐसे पेंडुलम ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो होता है ऐसे घूमता रहता है ना। एक घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, ये इसका वो है जो होते हैं। तो आपको हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूले, जिस आने वाले सभी वीडियो में नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, हम आपके लिए आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आपके लिए आज कोई होमवर्क नहीं है, तो आपकी वीडियो यही खत्म होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, जिस आने से वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।